नमस्कार देवी और सज्जनों, आज एक नई शुरुआत उन स्टूडेंट के लिए जिनका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है। मेरे पास बहुत सारी मेल आ रही है कंटिन्यू, जब से एडमिट कार्ड इस पोस्ट के लिए आया है, जब से लोगों को पता चला है कि उनका सेंटर कहां पर है, तब से हर स्टूडेंट के अंदर एक खलबली सी मच गई है। हर बच्चा परेशान है कि हम जीके कहां से पढ़ें, सर जीके के क्वेश्चंस कहां से आएंगे, बहुत सारी तमाम सवाल उनके माइंड में उठ रहे हैं। लेकिन ऐसे बच्चों को मैं यही कहूँगा कि अपना अब 100% दे डालो। जी हाँ, करो या मरो की नीति अब आपको अपनानी पड़ेगी, अगर आपने अब तक स्टडी एक सीरियस स्टूडेंट की तरह नहीं करी है तो। देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज जो तारीख हुई है वो तारीख हुई है आपकी ये 26 सितंबर आपका चल रहा है, तो अभी से आपको सबसे पहले एक मॉक टेस्ट मार्केट से परचेस करना है, ठीक है। किरण पब्लिकेशंस का एक मॉक टेस्ट आता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपका ये रहा, ठीक है। बिहार पुलिस बल सिपाही भर्ती परीक्षा प्रैक्टिस वर्कबुक, ये किरण पब्लिकेशंस की बुक है। मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ चैनल के माध्यम से, अगर आप कोई और पब्लिकेशन चाहते हैं तो आप उसको भी परचेस कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक्चुअली वो क्वेश्चन दिए गए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और बिहार के प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो ये बुक आपको मार्केट में काफ़ी आसानी से मिल जाएगी। अगर मार्केट आपके पास में नहीं है, बहुत डिस्टेंस आपका है मार्केट का और आपके घर का, तो आप इसको ऑनलाइन अमेजन पे परचेज कर सकते हैं। इसका मैं लिंक दूंगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक डिस्क्रिप्शन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो विदाउट एनी डिले। तो ये जो वीडियो है कम्प्लीटली जीके का एक वीडियो बनेगा और ये इसके सभी क्वेश्चन होंगे वन लाइनर फॉर्मेट में। और इस वीडियो के बाद में अगर आपके पास डाटा की कोई दिक्कत नहीं हो, नेट की कोई दिक्कत नहीं हो, तो आप साथ में इसमें एक प्लेलिस्ट है वन लाइनर जीके, काफ़ी बेसिक जीके है उसमें, वो भी अगर आप करके जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। टाइम नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस सेट डेली लगा रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट को आप रेगुलर फॉलो करिए, और जो भी चैनल पर वीडियो अपलोड होता है स्पेशल डेडिकेटेड बिहार एग्जाम के लिए तो वो आप कवर कर रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका कनाडियन नेशनल पार्क हैलीपैक्स से वैंकूवर तक जाता है। देखिए, एग्जाम में कभी कभी हमसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ये जो पार्क का नाम दिया गया है कनाडियन नेशनल पार्क, कहाँ से कहाँ तक होकर के जाता है। एक्चुअली इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, तो ये दो जगह हैं, एक हैलीपैक्स और से वैंकूवर, दोनों के मध्य ये स्थित है पार्क। अब हम बात करते हैं 1981 में स्थापित भारतीय वन संरक्षण विभाग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो भी बिहार का एग्जाम होता है, मैं बात पुलिस के अलावा अदर भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पर, वहां पे ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, तो आप ध्यान रखना 1981 आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा केवल भारतीय वन संरक्षण विभाग का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, वो है आपका देहरादून में। आगे बात करते हैं, देखिए ब्लैक हिल ब्लू पर्वत एंड ग्रीन पर्वत, मतलब ब्लैक ब्लू और ग्रीन जो माउंटेन है पर्वत है वो कहाँ पर है, कौन सी पहाड़ियाँ पर है स्थित है, तो ये जो पहाड़ियाँ हैं ये सभी हैं आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका में। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आई होप आपको इसका पता होगा आंसर। आगे बात करते हैं, देखिए कि ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होती है विक्रेता बाजार वो कहलाता है। विक्रेता बाजार की परिभाषा क्या है आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, ऐसा बाजार जहां पे मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होती है, मतलब मांग तो अधिक है लेकिन पूर्ति काफी कम होती है, जैसे रेडमी मोबाइल। रेडमी मोबाइल की मार्केट में मांग बहुत ज्यादा है लेकिन ये ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आपको अवेलेबल नहीं होता है, तो यहाँ पे ये होगा आपका विक्रेता बाजार। देखिए, योजना में जो होता है कोर सेक्टर का मतलब क्या होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग आधारभूत उद्योग। इंडिया इज फॉर सेल नामक जो ये बुक है, ये बुक किसने लिखी है, इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता हैं आपके चित्रा सुब्रमण्यम। देखिए, हरे पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई होती है वो क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है आपका क्वाटासोम। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य शरीर को बीमारियों से बचाना होता है, तो रक्त की सफेद कोशिकाओं को बोलते हैं हम लोग WBC।
ठीक है, WBC, इसी की बात हम कर रहे हैं। इसका काम होता है बीमारियों से बचाना। आपने देखा होगा कभी कभी हल्का सा मौसम चेंज होता है, या फिर कोई बच्चा अगर बारिश में हल्का सा भीग जाता है तो उसको बहुत जल्दी सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, या फिर उसका फीवर बढ़ जाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि उसकी बॉडी की जो WBC की जो लेवल है वो काफ़ी कम है, और उसकी WBC की जो मात्रा होती है जो बीमारी को फाइट करती है, बीमारी कोई भी बाहर से हमको वायरस वगैरह अटैक करता है तो उससे क्या करती है, उससे ये फाइट करती है। तो ये है इसका काम, बीमारियों से बचाना। आगे हम बात करते हैं। देखिए, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को अलग करने का कार्य कौन करता है? रक्त मतलब ब्लड के अंदर जो अननेसेसरी जो भी एलिमेंट्स वगैरह उसमें जो ऐड हो जाते हैं, रक्त को फिल्टर कौन कौन करता है? फाइनली आई एम सेइंग टू यू कि ब्लड को फिल्टर कौन करता है, वो किसका काम होता है, बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमारे ब्लड को क्या करता है, प्योरीफाई करता है, फिल्टर करता है? तो उसका नाम है किडनी। एग्जाम में आपको क्या देगा? ऑप्शंस में आपको किडनी नहीं देगा, आपको देगा केवल वक्र। तो ये याद रखना, आप किडनी दे सकता है, बहुत रेयर चांस है उसका। एग्जाम में एक्चुअली किडनी नहीं देता है, हिंदी का प्योर वर्ड का यूज करता है, वो होता है आपका वृक्क। आगे बात करते हैं। देखिए, पिच ब्लेड से रेडियो एक्टिव तत्व यूरेनियम प्राप्त होता है। प्रसार भारती अधिनियम 15 सितंबर 1997 से लागू हुआ था। 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका साक्षरता दिवस। एग्जाम में जाने से पहले स्टैंडर्ड डे आप जरूर याद करना कि युवा दिवस कब मनाया जाता है, जल दिवस, पृथ्वी दिवस, एड्स दिवस, ठीक है? तो ये डेज की एक लिस्ट होती है, वो आपने आई होप याद कर रखी होगी। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो ये तो चीज़ें आपको पक्का टिप्स पे याद होंगी। अगर आपने अब तक याद नहीं करी है तो नेट पर सर्च मारना, आपको आराम से स्टैंडर्ड जीके की ये मतलब जो लिस्ट है डेट की, वो आपको मिल जाएगी। आगे हम बात करते हैं। देखिए, व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा था, और मगध का प्रथम राजवंश उसका नाम था आपका हर्यक वंश। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉर है आपका खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध, सेकेंड, ये जो वॉर हुए थे इसकी डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो ये भी आप याद करके पक्का जाना। इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड एक वीडियो वगैरह बना रखी है इस पे चैनल पे। कहाँ मिलेगी मुझे आइडिया नहीं है, आप सर्च मारोगे तो मिल जाएगी आराम से। वरना इस चैनल पे अगर आप नहीं भी मारते हो सर्च, तो आप सिंपल गूगल पे सर्च मारिएगा, तो आपको फाइनली कुछ ना कुछ तो डेट आपको याद करके जानी पड़ेगी एग्जाम में। अब देखिए, आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद को मुगल शासक शाहजहां ने बनवाया था, और इंडियन मिरर नामक जो पत्र के संपादक थे वो कौन थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था केशव चंद्र सेन। देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ था, और रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कौन सी उपाधि थी जो उन्होंने वापस करी थी? तो नाइटहुड की उपाधि किसने वापस करी थी? एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है। तो उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर, और कौन सी विरोध में उन्होंने ये उपाधि वापस करी थी? तो वो है आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। फिर हम बात करते हैं आपसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, उसका नाम बताइए। तो उसका नाम था लॉर्ड जेम्स फोर्ड। शिवाजी मराठी संत किसके शिष्य थे? शिवाजी मराठी संत रामदास के शिष्य थे। तो इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था रामदास। संविधान के द्वितीय अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 75 में मंत्री परिषद के बारे में चर्चा कीजिए, और पंचायती राज प्रणाली सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। रवांडा की राजधानी किगाली है, और माउंट एटना सिसली यानी कि ये कहाँ पड़ता है? ये इटली पर्वतमाला में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में ये जो मर्रे डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? एग्जाम में आपसे ये पूछ लेता है कई बार, तो उसका नाम है आपका मर्रे डार्लिंग। विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात, उसका नाम बताइए। उसका नाम है आपका साल्टो एंजिल। एग्जाम में आपको साल्ट एंजिल देता है कभी कभी, और ये है आपकी वेनेजुएला में, ठीक है? साल्ट एंजिल कहाँ पर स्थित है, या फिर साल्ट एंजिल जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कहाँ पर, कौन से देश में स्थित है? तो उसका नाम है वेनेजुएला। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक IRBI की स्थापना कब हुई थी? तो 20 मार्च 1985 को। और भारत का सबसे पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। पहला बैंक भारत का कौन सा था? तो यह है आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अब देखिए, इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि पहला डेबिट कार्ड जो हम यूज़ करते हैं, ATM कार्ड यूज़ करते हैं, इसको हम बोलते हैं डेबिट कार्ड, वो कौन से बैंक ने निकाला था सबसे पहले? तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके लिए आपको दे के जा रहा हूँ, आपका एक होमवर्क है। नेट पे सर्च मारिए, अगर आपको मिलता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर भेजना। आई होप आपको ये पता होगा।
जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उनको तो पक्का पता होगा, अगर आप बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं, स्टेट की कर रहे हैं तो शायद ना पता हो, फिर भी सर्च मार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं, देखिए प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक का नाम बताइए, वो है आपका सेल्यूलोज, और डोलोमाइट CaCO3 कैल्शियम का अयस्क है। सैंडी लॉज स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये आपका स्कॉटलैंड में, और एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बटूर में स्थित है। अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली महिला निर्ला मनोत, मतलब मरणोपरांत थी, मैन ऑफ डेस्टिनी, ठीक है, किसको कहा जाता है, तो ये जो नाम दिया गया है, ये नाम दिया गया है नेपोलियन को। भारत सरकार के स्वामित्व में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना सितंबर 1964 में हुई थी। नील दर्पण के लेखक कौन है, तो ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से पता होगा, और एग्जाम में कई बार, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो ये है आपके दीन बंधु मित्रा। तो एग्जाम में आपको दीन बंधु मित्रा पूरा नाम भी दे सकता है और केवल दीन बंधु भी बोल सकता है। तो नील दर्पण दीन बंधु, नील दर्पण दीन बंधु। शेरे कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को कहा जाता है, इज़राइल के संसद को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है, तो इस तरह की स्टेटमेंट वो आपके एग्जाम में आपको दे सकता है। तो ये है आपका नेसिट, और इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताइए, इसका नाम है आरती शाह। फिर हम बात करते हैं एतरे, एतरे ब्राह्मण ऋग्वेद का है, तो ये ब्राह्मण का नाम आपको दिया जाएगा, ये कहाँ का है, ये है आपका ऋग्वेद का। ओके बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा, और देखिए सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने कहा था, तो ये कहा था राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारतीय औद्योगिक ऋण का निवेश निगम ICICI की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी आपकी जनवरी 1955 में। RL मल्होत्रा समिति किस क्षेत्र से संबंधित है, क्वेश्चन मार्क ये, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, ये है आपका बीमा क्षेत्र से, या बीमा क्षेत्र जो होता है उसमें जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी उसमें इम्प्रूवमेंट होते हैं, सुधार होते हैं, तो वो इस समिति का कार्य है। अब देखिए उत्तर रामचरित के लेखक कौन है, इसके लेखक हैं आपके भवभूति, कौन भवभूति। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित कर मुंगेर कर दी थी, कहाँ से परिवर्तित करके क्या कर दिया था, तो ये कर दिया था आपका मुंगेर। फिर हम बात करते हैं गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब करी थी, 1916 में। ये वर्ष एग्जाम में कई बार पूछा गया है आपके, तो तैयार हो जाइए आप इसको याद करने के लिए, इस वर्ष को अभी तुरंत वीडियो को पॉज करिए और इस वर्ष को 1916 को कई बार अपने मन में दोहराइए, गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना करी थी 1916 में, 1916 में। आंखें थोड़ा सा बंद कर लीजिए और इसको याद करिए। आगे बात करते हैं हम लोग, कांग्रेस ने गोलमेज के केवल, कांग्रेस ने गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था केवल दूसरी बैठक में ही भाग लिया था, ठीक है, तो और ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों बैठक में, गोलमेज सम्मेलन जो तीन हुए थे, तीनों में पार्टिसिपेट करा था, तो उनका नाम है भीमराव अंबेडकर। 1937 में जन जागरण मंच की स्थापना मैसूर राज्य में हुई थी, और केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था, किसने भगत सिंह के साथ दिया था, तो ये है आपके बटुकेश्वर दत्त। भारत में प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष एम अनंत संयनम अयंगार थे। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय, लास्ट निर्णय कौन देता है, तो वो देता है आपका लोकसभा अध्यक्ष। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दल बदल विरोधी कानून 52वें, मतलब 52वें संविधान संशोधन द्वारा पारित हुआ था। युगांडा की राजधानी क्या है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका कंपाला। देखिए एग्जाम में आपके पास ये जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं, ये एग्जाम का लेवल आपका ज्यादा हाई नहीं है, नॉर्मल रहेगा,
ठीक है, आप बस मैक्सिमम जो भी पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन जरूर करना। इस वीडियो को अगर आपने एक बार वॉच करा है और आपको लग रहा है कि आपके कुछ चीज़ें आपको नहीं पता थी, अगर आपने अभी नोट नहीं करा है, पेन डाउन नहीं करा है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को, तो इस वीडियो को एक बार और प्ले करिए। अपने साथ में A4 पेज लेकर बैठिए और वहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पर आपको नहीं पता था कि लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, आपको नहीं पता था कि कौन से संशोधन में क्या हुआ था, युगांडा की राजधानी क्या थी, आपको नहीं पता था, इन सब पर लिखिए, एक नोट्स बनाइए। और जो आप प्रैक्टिस सेट अगर परचेज करते हैं जाकर के मार्केट से, तो इसमें जो भी क्वेश्चंस आपके रुक जाते हैं, रुकने का मतलब ये है कि आप फाइनली एक पेपर सेट लगाएंगे कंप्लीटली, एक टाइम डिसाइड करेंगे जो आपका एग्जाम का रहेगा, जो नेगेटिव मार्किंग है सेम वैसे ही आप सिंपल माइनस करेंगे, आपका जो भी फाइनल स्कोर आता है हर एक प्रैक्टिस सेट के ऊपर में आपको वो चीज़ लिखनी है। ठीक है, आपको सब्जेक्ट वाइज अपना स्कोर उसमें लिखना है, बुक के अंदर ही लिख लीजिए। ठीक है, पेन चलाइए, भरपूर पेन चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये मैं सोचूँ कि ये साफ साफ पेज है गंदे हो जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं है यार, बुक अपनी है, बुक को जैसे यूज करना है करो, बिंदास यूज करो। ठीक है, एक सैलरी आते ही एक झटके में इस बुक की तुम्हारी सारी कॉस्ट कवर हो जाएगी। टारगेट ये भी सिलेक्शन लेना है, किताब को साफ रखना है, ये सब अभी फिलहाल बच्चों वाले काम मत करो, टारगेट ये है कि जॉब गेन करो। ठीक है, अब देखो मैं क्या कह रहा था कि अब जैसे ये बुक परचेज करते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, अब इसमें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो इसके हर एक क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है, आपका कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन रुकता है उसको आपने किसी ना किसी कीमत पे करना है सेम डे, कोई भी काम आपको कल पे नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको कल एक और सेट लगाना है उसमें। ठीक है, एग्जाम आने वाला है, आपको पता है ना कि एग्जाम आने वाला है बहुत जल्दी, इसका एडमिट कार्ड आपके हाथ में है, फिलहाल टेंशन चल रही होगी। ठीक है, टेंशन खत्म तभी होगी जब आप टाइम देंगे इस चीज़ को। मेरा कहने का मतलब क्या है, जो समझदार बच्चे होंगे वो समझ गए होंगे, और अगर आपने समझने की नहीं ठान रखी है तो फिर कोई बात नहीं, देखिए ठानना ना ठानना वो आपके हाथ में है, कैरियर आपके हाथ में है, मेरा काम बस केवल आपको गाइड करना है। ठीक है, एक लेवल तक ही मैं गाइड करूंगा इस चीज़ का। तो ठीक है, इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, और कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक का इस बटन को दबाइए प्लीज़, और ठीक है, और जो भी फ्रेंड आपकी तैयारी कर रहे हैं इस कॉम्पिटिशन्स की, बिहार पुलिस की, तो उन सब तक इस वीडियो को शेयर करिए, मैक्सिमम शेयर करिए, अपने फेसबुक के माध्यम से, अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, और पढ़िए थोड़ा सा, पढ़िए थोड़ा भी, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत ज़्यादा पढ़िए, अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो बहुत ज़्यादा पढ़िए, मैक्सिमम टाइम दीजिए। ठीक है, टारगेट सेट करिए, नींद को थोड़ा कम कर लीजिए, अगर आप 12 घंटे सोते हैं तो आप अपनी नींद को कम से कम 8 घंटे कर लो। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में, बाय बाय, टेक केयर, और एग्ज़ाम को थोड़ा ध्यान से देना, जल्द लेके आ रहा हूँ एक नया वीडियो। ठीक है, झेलिए उसको भी, बाय, झेलिए नहीं मतलब पढ़िए, बाय।